देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में गरीबों का बुरा हाल हो गया है। आज इनकी दी नीतियों के कारण जनता के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वे घर का खर्चा चला सके, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रहा। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हाहाकार मचा है। किसान रोड पे हैं, छात्र रोड पे हैं, बाढ़ की स्थिति देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। सरकार केवल टेलीविजन पे आके इनके प्रवक्ता केवल डिबेट देते हैं, उसके सिवा कोई कार्य नहीं है। इसको किस तरह से आप सुलझाएंगे आगे? आप चुनाव अगर जीतते हैं तो किस तरह से इसको सुलझाएंगे? हम लोगों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सही में जुर्मेबाजी नहीं करेंगे, सही में लेकर साथ चलेंगे। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी भी करते हैं। नहीं नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। आप भी तो बनारस में हैं, क्या हुआ? कोई विकास आपको दिखाई दे रहा है? आधे घंटे पानी अगर बरस जाए बनारस में तो स्मार्ट सिटी की पोल खुल जाती है। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज सभी पार्टियां ब्राह्मणों की तैसी बनी है। सुहेलदेव जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह बबलू ने कहा कि सभी पार्टियां ब्राह्मणों की हितैषी बनी हैं। ब्राह्मण लगभग सभी पार्टियों को देख चुके हैं। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे उस समय में कोई भी राष्ट्रीय व प्रदेशीय पार्टियां सामने नहीं आई, सिर्फ सुहेलदेव जनता पार्टी सामने आई है। संयुक्त रूप से महेंद्र मिश्रा को उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं और हमारी पार्टी संयुक्त रूप से 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी।